सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है और रविवार को खिताबी जंग में उसका मुकाबला भारत से होना है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज आमिर सुहेल ने अपनी ही टीम यानी पाकिस्तानी पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगा दिया है। सुहेल बतौर विशेषज्ञ पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर बात कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी पर हो रही चर्चा के दौरान ही उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे उन्हीं की टीम के ऊपर सवालिया निशान लग गया। आमिर ने कहा, पाकिस्तान की टीम और उसके कप्तान सरफराज अहमद को इस तरह खुशी नहीं मनानी चाहिए। यह टीम बाहरी कारणों से मैच जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है, अपने खेल से नहीं। भारत के खिलाफ मिली शर्मनाक हार और उसके बाद की दमदार वापसी कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।